बिजली महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने अंदर जाने से रोका। बिजली की महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बिजली दफ्तर में रैली लेकर पहुंचे, पुलिस ने अंदर जाने से रोका। गेट को धक्का देकर बिजली दफ्तर के अंदर घुसे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बिजली यूनिट में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया प्रदर्शन, वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी विरोध दर्ज किया। कांकेर से प्रमिला नेताम की रिपोर्ट। आज का प्रदर्शन हमारा बिजली महंगाई और स्मार्ट मीटर लगने से हमारे कस्टमर, हमारे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिस कारण हमने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में हमने कांकेर में हमारे जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बिजली विभाग का घेराव किया और उद्घाटन का कार्यक्रम किया, जिससे स्मार्ट मीटर से अतिरिक्त भार पड़ेगा उपभोक्ताओं पे। और हमने राज्य सरकार का विष्णुदेव साय जी का मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा पिछले पूर्ववर्ती 3 वर्षों में टैरिफ जो बिजली बिल का जो यूनिट है उसको घरेलू, गैर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ाया नहीं गया था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है आयोग के द्वारा 8-15% की गैर घरेलू, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों के प्रति यूनिट बिजली की दरों में वृद्धि की गई है, एवं भाजपा के द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट मीटर जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं युवा कांग्रेस के द्वारा, आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय को।